अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। बड़े अफसोस की बात है, तेलंगाना गवर्नमेंट के सिलेबस की सोशल स्टडीज की बुक में, 8 क्लास की सोशल स्टडीज की बुक में पेज नंबर 291 पर एक टेररिस्ट बोलकर फोटो डाली गई और वो जो बंदा है उसके हाथ में कुरान बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सीएम केसीआर और मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर केटीआर से, क्या नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारते वक्त कुरान पकड़ी थी? क्या हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारते वक्त कुरान पकड़ी थी? क्या माओ ने 2 करोड़ चाइनीज को मारते वक्त क्या कुरान पकड़ी थी? जानना चाहिए। नथुराम गोडसे एक हिंदू था, ब्राह्मण हिंदू, वैसे हिटलर एक क्रिश्चियन था और माओ एक कम्युनिस्ट था। और आज जो यहूदी फलस्तीन में मार रहे मासूम मुसलमानों को, क्या कुरान पकड़े हुए? नहीं, तलमूद और मिसनत पकड़े हुए है। तो जानिए, मारने वाले मासूमों को कोई भी मजहब के हो सकते हैं, आतंकवादी कहीं से भी आ सकता है। ख्याल रखिए, ये कुरान की बेहरमती है, बदतरीन गुनाह है। सीएम केसीआर और केटीआर मिनिस्टर और एमपी असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये पेज को फौरी हटाइए, टेक्स्ट बुक के पब्लिशर पर फौरी एक्शन लीजिए और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उस पर एक्शन लीजिए और फौरी कुरान की बेहरमती को रोकिए और माहौल को खराब होने से बचाइए। हर मजहब की किताब में लिखा है, कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ, सबका मालिक एक है, रब अल्लाह एक है, उसी की इबादत और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कामयाबी है। ये वाला चैप्टर लाइए, कामयाब हो जाइए।